आज मेरे हस्बैंड कौशिक आप लोगों को आलू का दम बना के दिखा रही हैं। इसके लिए हमें चाहिए बॉयल पोटैटो, और ये है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और ये है ऑनियन का पेस्ट, और मुझे चाहिए ये गरम मसाला, और ये जो ऑनियन है ये बारीक कट के रखी हूँ मैं। गैस ऑन कर दिया, और अभी ये मस्टर्ड ऑयल दे रहे हैं इसमें। ये ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम लोग जीरे, हाँ ये जीरे जब ब्राउन कलर हो जाएगा फिर इसमें ऑनियन को फ्राई करेंगे। हाँ ये ब्राउन कलर आ गया है, अभी इसमें फ्राई करने के लिए ऑनियन दे रहे हैं। ये देखिए अभी ये जो अनियन है ये ब्राउन कलर हो गया है, अभी इसमें ये दे रहे हैं ये ऑनियन एंड गार्लिक का पेस्ट। ये थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें दे देंगे ऑनियन का पेस्ट। ये देखिए ये जो हमने गार्लिक और अदरक का जो पेस्ट दिया था मेरे हस्बैंड ने वो थोड़ा फ्राई हो गया है, अभी इसमें अनियन का पेस्ट दे रहे हैं। सॉरी मैंने बोलना भूल गई थी, इसके लिए हमें जो मसाला और चाहिए धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और ये चिली पाउडर, और थोड़ा सॉल्ट चाहिए। तो ये फ्राई हो रहा है अभी, देखिए अभी इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर दे रहे हैं, अभी इसमें दे रहे हैं जीरा पाउडर। और अभी देंगे 1 स्पून धनिया पाउडर, और ये जो चिली पाउडर है ये थोड़ा देना है क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। हाँ तो इसमें थोड़ा वाटर देंगे अभी, वाटर देके अभी ये हल्का फ्राई कर रहे हैं। और मैंने जब पोटैटो को बॉयल किया था तब उसमें थोड़ा नमक दे के बॉयल किया, इसीलिए अभी थोड़ा ही इसमें सॉल्ट देना है। आप लोग आपके टेस्ट के हिसाब से दे दीजिएगा। ये मसाला को थोड़ा धीमी आंच में आप फ्राई करना तो अच्छा रहेगा। ये धीमी आंच में ही फ्राई कर रहा है। ये देखिए ये फ्राई हो गया है, अभी इसमें ये जो बॉयल पोटैटो है ये अभी दे रहे हैं। इसमें थोड़ा वाटर देके अभी बॉयल हो रहा है, अभी देखिए थोड़ा और बॉयल हो जाने के बाद इसमें गरम मसाला डाल दूंगी। देखिए अभी इसमें गरम मसाला
दे रहे हैं। थोड़ा ही गरम मसाला चाहिए क्योंकि मैं ये जो गरम मसाला है मैं घर में ही बनाती हूँ, तो इसका स्मेल भी बहुत ही अच्छा है। ये देखिए एक हो गया है, अभी गैस बंद कर रही हूँ। देखिए इसका आलू का दम तैयार हो गया है, आप बना के टेस्ट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कीजिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बना के खाइए खाइएगा। थैंक यू।